नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। विदिशा के पठारी सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली नवमी तिथि को आमला नवमी मनाते हैं। आमला नवमी को अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है और हिंदू धर्म में आंवला नवमी का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि आंवला नवमी के दिन दान करने से पुण्य का फल इस जन्म के साथ अगले जन्म में भी मिलता है और शास्त्रों के अनुसार आंवला नवमी के दिन आंवला के वृक्ष की पूजा करने से व्यक्ति के पापों से मुक्ति मिलती है। आंवला नवमी के दिन आंवला के वृक्ष का पूजन करने से परिवार में खुशहाली और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन इस वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन भी किया जाता है और प्रसाद के रूप में आंवले का सेवन किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन द्वापर युग का प्रारंभ होता है। द्वापर युग में भगवान विष्णु के आठवें अवतार प्रभु श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन गोकुल की गलियों को छोड़कर मथुरा की ओर प्रस्थान किया था। इसी वजह से इस दिन वृंदावन परिक्रमा का भी विशेष महत्व है। इस अवसर पर विदिशा के पठारी की महिलाओं ने आंवला वृक्ष का पूजन करके आंवला नवमी का त्योहार मनाया। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं विदिशा से आशीष सहेले की रिपोर्ट। बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ।